हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अलीशा। सो आज हम बनाएंगे सत्सागा, जो कि प्रसाद के लिए हम बनाते हैं, स्पेशली जन्माष्टमी में जो कि कृष्ण भगवान जी को भोग लगता है। साथ में हम इसको कत्तक महीने में भी बनाते होते हैं, जब हम लंगर वगैरह होता है उसमें कड़ी चोल साथ में सत्सागे की सब्ज़ी होती है, जिसमें बेसिकली 7 सब्जियों का मिक्स होता है। सो आप कोई भी सब्ज़ी अपनी मर्जी से ले सकते हो। लाइक मैंने इसमें ली है गाजर, बीन्स, बटर गार्ड घिया, मटर, गोभी, शिमला मिर्च एंड आलू। सो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, आप इसमें भिंडी डाल सकते हो, अरबी डाल सकते हो, घिया, कद्दू, कुछ भी आप जो भी आपको पसंद हो। और साथ में जब हम इसको बनाते हैं कत्तक के महीने में, बेसिकली विंटर्स में बनता है, तो तब तो हम इसमें मेथी डाल के बनाते हैं। सो मेथी और बाकी सीख सब्जियों को मिक्स करके ये बनता है, बट अभी तो समर्स है तो मेथी तो मिलती नहीं है, तो फिर इसलिए हमने ये 7 सब्जी ली। साथ में हम लेंगे स्पाइसेस, हम बिल्कुल इसको बेसिक सा बनाएंगे, बिकॉज मैंने इसको प्रसाद के लिए बनाना है जन्माष्टमी में। सो बिल्कुल सिंपल बेसिक से मसाले, इसमें अनियन, लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, टमाटोज, ग्रीन चिली एंड जिंजर एंड बेसिक जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं वो सिंपल सी बनाएंगे। अगर आप इसको वैसे नॉर्मली बना रहे हो खाने के लिए, तो आप इसमें लहसुन, अनियन सब कुछ ऐड कर सकते हो, स्पाइसेस, आप गरम मसाला, किचन किंग वगैरह जो भी आप रेगुलर लेते हो आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं इसको बिल्कुल बेसिक सा सात्विक टाइप बनाऊंगी, बिकॉज मैंने इसको जन्माष्टमी में भोग लगाना है भगवान को। सो आप चाहे तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हो, मशरूम ऐड कर सकते हो, मकरोनी वगैरह जो भी आप बच्चों को पसंद हो ना वेजीज, आप वो इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ऐसे हम बना लेंगे ना सारा मिक्स, तो बच्चे आसानी से खा लेते हैं, जो हमारी सब्जियाँ बच्चे बेसिकली नहीं खाते, जैसे घिया हो गया, कद्दू, तोरी नहीं खाते। सो हम इसमें डाल के मिक्स सब्जी बना लेंगे ना, साथ में थोड़ा सा पनीर डाल के, मकरोनी वगैरह डाल के, सॉसेज वगैरह डाल के, तो बच्चे आसानी से खा लेते हैं। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल गर्म कर लिया कढ़ाई में, अब हम डाल देंगे जिंजर ऑयल, डाले हैं 2 टमाटोज, इसको हमने रफली चॉप कर लिया हुआ है, साउंड के लिए सॉरी, बिकॉज साथ में मेरी गोभी आलू भी फ्राई हो रहे हैं, तो इसको चटक चटक की आवाज़ आ रही है, तो साउंड को करिएगा इग्नोर। तो इसको हम 2 मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं, फिर हम ऐड करेंगे अपने स्पाइसी। तो अब हम ऐड कर देंगे रेड चिल्ली एंड कश्मीरी लाल मिर्च फॉर द कलर एंड हल्दी एंड सॉल्ट। बिल्कुल बेसिक सी बना रही हूँ सात्विक टाइप, तो इतने मस्त मसाले ऐड करूँगी, आप कुछ भी जो भी आपको पसंद है फ्लेवर का इसमें ऐड कर सकते हो, जो भी आप रेफर मसाले खाते हो। इसको हम अच्छे से करेंगे जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए इसका। गरम मसाला अच्छे से हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, अब हम ऐड कर देंगे अपनी सारी वेजीज इसमें। अब हमने सारी सब्जियाँ डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया, अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक के रख देंगे और ये धीरे धीरे कुक होती जाएगी, 15-20 मिनट लगेगी इसको। बिल्कुल देसी सब्जी है, 10-15 मिनट में बन जाएगी। तो अब हम इसको करते हैं लिड से कवर एंड इसको ढक के रखते हैं थोड़ी देर के लिए। 5 मिनट्स हो गए हैं, हमारी सब्जी को मैंने अच्छे से एक बार फिर से चला दिया, कुक हो रही है। मीनवाइल हमारी बन रही है धनी की पंजीरी, जो कि भोग लगेगा। सो ये भी बन रही है, 10 मिनट्स इसको और लगेंगे अभी, जब तक ये सब्जी अच्छे से गल ना जाए तब तक इसको पकाएंगे। इसको ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स हो गए हैं, हमारी सब्जी अच्छी, हमारी सत्सागा अनकुट वाली प्रसाद वाली सब्जी हो गई है रेडी। सो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा जन्माष्टमी, तो आप स्पेशली बनाइएगा क्योंकि कान्हा जी को ये अति प्रिय है। सो आप इसका भोग अवश्य लगाइएगा, बहुत ही ईजी है, क्विक बनने वाली, 10-15 मिनट में बन जाएगी बस। और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।